नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, डीजे सर क्लासेस के इस ऑनलाइन चैनल में आपका फिर से स्वागत और अभिनंदन है। हम पढ़ रहे हिंदी और हिंदी में चल रहे हैं हमारे उपसर्ग से संबंधित एमसीक्यू कितने इम्पोर्टेंट है यह आप देख ही सकते हो। कल मैंने आपकी क्लास में जो सॉल्व कराए थे, चलिए चलते हैं हम हमारी क्लास की तरफ। देखिए आपकी ये आया हुआ है राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर यानी एसआई भर्ती 2011 में आया हुआ प्रश्न है। प्रश्न है आपके सामने, किस शब्द में अन उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ। बार बार आपको समझाती हूँ, बोलती हूँ, जब भी आपके सामने नहीं आए, नहीं है, सही गलत, पहले उनको हाईलाइट कीजिए। क्या करना, हाईलाइट क्या है अन उपसर्ग का प्रयोग नहीं। आपका अनुगम अन इच्छा अन अन वह है, फिर अन का देखते अन अन आपके तो हुआ है अपना स्वर, इसको बना इसने अपना अनुपम अनु अन अनुगमन आपका प्रयोग है। अनुगमन अनुगमन कोई शब्द नहीं, हाँ अनुगमन गमन यानी अनु यानी अनु का शाब्दिक अर्थ होता है अनु, हाँ अनु उपसर्ग का है। अनु का शाब्दिक अर्थ की बात करूं यानी आपके गमन करता है उसे अनुगमन कहते हैं, यानी आपके बताए हुए रास्ते पर जो चलता है उसे कहते हैं हम अनुगमन करना। तो यहाँ उत्तर नंबर 4 सही माना जाएगा। हमसे पूछा क्या है अन उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है, तो अन का उपसर्ग इसमें हुआ है अनधन, अन का प्रयोग अनधन उचित और अनधन उपम इसने और इसको अनुपम नहीं हुआ, अनुचित में नहीं हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न है आपके सामने कनिष्ठ लिपि आरपीएससी 2011 में आया हुआ प्रश्न। प्रश्न है हाई कोर्ट 2022 में, यानी आपके सामने यही प्रश्न आपका हुआ है 2022 में। प्रश्न क्या है, सु उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। सु उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है, हुआ है देखना है। चलिए बताइए स्वस्थ है, स्वस्थ है नहीं हुआ है पूछा है। तन अस्थ, तन अस्थ यण संधि पढ़ी थी ना, यण संधि हमने पढ़ी थी। यण संधि का नियम क्या था, यण संधि का नियम था यदि आपके उ के बाद यदि अ आता है तो आपके वो आता है, क्या आता है वा। आप देख रहे हो यहाँ उ है, ऐसे उ बाहर निकाला मैंने आधा सा बचा, आपके इन दोनों का मेल ये क्या है आ है, इन दोनों का मेल मुझे वा की प्राप्ति करा रहा है, तो ये वा आके यहाँ फंसा। पीछे का अर्थ बता आपका उपसर्ग का प्रयोग हो रहा है। आपका स्वल्प तू धन अल्प तू हो रहा है, लेख बस सुंदर है जो लेख इसमें हो रहा है, सुंदर है जो लेख, सुलेख किसे कहते हैं, लेख क्या है सुंदर है। सु का शाब्दिक अर्थ की यदि मैं बात करूं तो सु का शाब्दिक अर्थ होता है सुंदर, अच्छा, श्रेष्ठ, तो क्या है आपका सुलेख। और यहाँ आप शब्द देखो, आपका शब्द है आपके पास स्वास्ति, स्वस्ति स्व धन अस्ति होता है, स्वधन अस्ति होता है, स्व स्वस्ति यानी ये दोनों मिलकर आपके स्वास्ति आ रहे हैं। यहाँ पर आपका स्व उपसर्ग का प्रयोग हो रहा है। उत्तर नंबर 1 सही, 2 सही यहाँ पर
माना जाएगा। शुभ सर का प्रयोग नहीं हुआ है, तीन में हो रहा है, पहले में, तीसरे में और चौथे में। किसमें नहीं हो रहा है? दूसरे में नहीं हो रहा है। आगे बात करते हैं हम, चलिए, महिला पर्यवेक्षक आंगनवाड़ी 2019 की भर्ती में दिया गया प्रश्न। चलिए, प्रश्न क्या है? तो सर्ग से बना हुआ शब्द है, ऐसे कौन सा सूत्र से बना हुआ है? देखिए, मैंने कल उपसर्ग के आपके लिए परिभाषा बताई थी। वे शब्दांश विशेष जो मूल शब्द के प्रारंभ में लगकर उसके रूप में परिवर्तन करके विशेषता लाते हैं, उन्हें हम उपसर्ग कहते हैं। यानी शब्दांश मूल शब्द के प्रारंभ में लगते हैं, और वे शब्दांश जो मूल शब्द के अंत में लगकर उनमें विशेषता या परिवर्तन लाते हैं, उनको प्रत्यय कहा जाता है। तो हम यहाँ पर अभी क्या देख रहे हैं? हम तो यहाँ उपसर्ग देख रहे हैं। तो उपसर्ग से बना शब्द है भाई, सुरेश नहीं है, सुरेश एक नाम है, सुंदर भी एक नाम है और सुरेश एक नाम है। तो कर्म, कर्म कर्म क्या है यहाँ पर? कर्म यहाँ मूल शब्द है। कर्म का आया है, हाँ, क्या है? है? सर्ग है। सो अच्छे कर्म, श्रेष्ठ कर्म, सुकर्म कहा जाता है। ये आपका उत्तर यहाँ तो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं हम। प्रश्न है आपके सामने, ग्राम सेवक 2008 की भर्ती किया गया प्रश्न। ग्राम सेवक 2008 की भर्ती में दिया हुआ प्रश्न। तो उपसर्ग प्रयुक्त नहीं हुआ है, तो उपसर्ग प्रयुक्त नहीं हुआ है। सुशील, सुकांत और चार शब्द हैं आपके पास। आपके पास किसमें प्रयोग नहीं हुआ है भाई? आपका उत्तर नंबर दो सही होगा यहाँ पर। देखिए, उत्तर नंबर दो सही माना जाएगा। शील कैसे है? मर्यादाशील, सुंदरशील। सुंदर का प्रयोग हुआ है यहाँ पर, अच्छे। सर मूल शब्द क्या है यहाँ पर? शब्द क्या है? यह है आपके पास, और सूचना उपसर्ग है यहाँ पर, उपसर्ग है। कांत, 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 कांत यानी होता है श्रेष्ठ, और उपसर्ग है लक्षण, अच्छे लक्षण है, लक्षण कहलाता है, लक्षण। कांत और सुनार, उत्तर सुनार एक शब्द है। आगे बात करते हैं हम। सेकेंड ग्रेड 2022 में आया हुआ प्रश्न, हाल ही आपके एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। चलिए देखते हैं प्रश्न क्या है। तो उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, तो उपसर्ग का उदाहरण है, तो उपसर्ग का उदाहरण है भाई आपका सुलभ। सुलभ आपका सुउपसर्ग का उदाहरण है। सुनसान में नहीं, सुर में भी नहीं है, और सुंदर में भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। प्रश्न है आपके सामने, आरपीएससी 2000 एलडीसी परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है आपके सामने। चलिए, प्रॉब्लम हो गया मेरे को। क्वेश्चन तो है, किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है भाई, नीरज में नहीं हुआ है, नीरज में नहीं हुआ है। देखिए, नीरस, नी, नी के बाद यदि आपके रस आता है, नी के बाद यदि आपके रस आएगा, तो आपका दीर्घ, आपका भस्म दीर्घीकरण में परिवर्तित हो जाता है।
ये आपके संधि का एक विशिष्ट नियम है विसर्ग संधि का, ठीक है। तो नी, नी के बाद आपका क्या हुआ, रस। यहाँ पर आपका क्या बदला, नी के बाद रस हुआ, शब्द बना आपके पास नीरव। नी, नी के बाद हुआ आपके पास रव, तो आपका इसमें भी आपका रव हुआ शब्द, यानी हस्वीकरण का खीरकीकरण हो जाता है निरंध्र। नी के बाद है आपके पास रंध्र, बाद है आपके पास रंध्र, यहाँ पर भी नी का आपका निर्गीकरण हुआ, यानी हस्व। ये क्या है आपके पास, छोटी ई, छोटी। जब हम इनका विच्छेद करेंगे, जब हम विच्छेद देखेंगे, तो विच्छेद भी आपको आना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप चार ऑप्शनों का हल कर रहे हैं, तो आपका देखिए विच्छेद करते समय छोटी छोटी यानी हस्वी ई, हस्वी ई का क्या हुआ यहाँ पर, हस्वी ई का यहाँ पर दीर्घीकरण हुआ नीरस। तो यहाँ नीरज, नीरज क्या रे, नीर, नीर नीर, नीर यानी होता है पानी, जल पानी, और क्या यानी होता है जन्म, नीरज। पानी में जन्म कौन लेता है, कमल। तो नीरज किसका पर्यायवाची है आपके पास, कमल का पर्यायवाची है, तो प्रयोग नहीं हुआ है आपके उत्तर पर, तो में प्रयोग नहीं हुआ है। आगे चलते हैं हम, प्रश्न है आपके सामने तृतीय श्रेणी 2012 में और पटवार 2011 में आया हुआ प्रश्न, चलिए देखते हैं। निम्न शब्द में कौन सा उपसर्ग है, निर्निमेष शब्द में कौन सा उपसर्ग है, चलिए देखते हैं। और निर्निमेष में आपके उत्तर नंबर एक सही होगा निर, निर धन निमेष, निर्धन निमेष, चलिए निर। अब ये क्या है, आधा रा है, निर उपसर्ग है, ये क्या है उपसर्ग, निर उपसर्ग है, और मूल शब्द क्या है आपका निर्निमेष। देखिए अगर मैं इसमें भी मूल शब्द की बात करूं, आपके मूल नहीं शब्द आपके भी यहाँ पर उपसर्ग है, और मेष यहाँ पर मूल, मेष यहाँ मूल शब्द है और नी उपसर्ग है। तो देखिए निर, निर के बाद आपका ये क्या है, आधा रा, आधा रा कहाँ पड़ेगा ऊपर, आधा रा कहाँ चढ़ा ऊपर, और शब्द बना आपके पास निर्निमेश। तो हमारे पास निर्निमेश कौन सा उपसर्ग है, उत्तर नंबर एक सही का। आगे बात करते हैं, आगे हम चर्चा करते हैं, निम्नलिखित में से निर उपसर्ग से बना हुआ शब्द है, 2018 एलडीसी भर्ती में किया गया प्रश्न, चलिए देखते हैं। निम्नलिखित में से निर उपसर्ग का प्रयोग हुआ है या बना है, वह निर्देश में बना है, निर, निर धन, निर धन देश, निर्देश कहा जाता है। आगे चलते हैं, किस शब्द में नि उपसर्ग नहीं है, शब्द में नि उपसर्ग है, नी है देखना, नी उपसर्ग न्यून में है, निकाय में है, निंदन में है, और निर्देशक में निर, जो आपको निर्देश देता है, जो आपको आज्ञा देता है, उसे हम निर्देशक कहते हैं, निर्देशक। हाँ देख हम इनका नी पर हुआ आपके पास, मैं आपको बताया था आपके क्या है छोटी, क्या है आपका उ, और यण संधि का नियम हमें यहाँ पर देख, आप भले से उपसर्ग पढ़ रहे हो लेकिन नी उपसर्ग है, लेकिन नी में आपके मात्रा क्या है छोटी की, मात्रा क्या है छोटी ई की मात्रा है। अब छोटी मात्रा यदि शब्द से मेल कर रही है, मेल कर रही है, और इन दोनों का मेल की प्राप्ति करा रहा है, दोनों का मेल मुझे या की प्राप्ति करा रहा है, इसने अपना स्वर बना
ऊपर से ना ई बाहर निकली तो आधा ना बाहर निकला तो हमें ना ही शेष बचा, यानी मैंने बाहर निकाल लिया तो ना। अब इन दोनों का मैं लिख लो का यहाँ शब्द बन तरह निकाय 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 बाद हमारा उत्तर नंबर क्या सही होगा? निर्देशक का हाई कोर्ट एलडीसी का की क्या प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सा शब्द निर उपसर्ग से नहीं बना? निर उपसर्ग से है, निर्मित तो बना है, अस्त भी बना है, निरोध नहीं है। आपका रोग आपका निरोध नहीं होता, खुद होता है, तो ये नहीं बना है। फिर से निरस्त बाद है आशाएं खड़ा करवा ले तो हमें निर से नहीं बना है भाई, ये बना है, ये कौन सा नहीं बना? निरोध है, निरोध किससे बना है? निरोध नी उपसर्ग से बना है, निरोध नी उपसर्ग, ये क्या है आपका नी। क्वेश्चन हम प्रश्न है आपके सामने कनिष्ठ यानी एलडीसी 2011 की भर्ती में प्रश्न आया है, प्रश्न है आपके सामने और यही प्रश्न आपका रिपीट होकर 22 में। प्रश्न है फर्स्ट ग्रेड व्याख्या था 22 में, किस शब्द में अनु उपसर्ग उपसर्ग नहीं है बोला है? अन्वेषण में है, अनूर अनुवर में है और आपके अनु अनुने में। अब बहुत से बच्चे तो क्या देखेंगे भाई, अनुवर अन्वेषण में नहीं। बहुत से बच्चे तो जिन पे ज्ञान का अभाव होता है, जिनके पास जानकारी का अभाव होता है, जो बिना पढ़े ही एग्जामिनेशन हॉल में चले जाते हैं, भाई उन बच्चों को जरूरी है कि वो पढ़ के जाएं। अगर मैं इस तरह के क्वेश्चन आपके सामने आ गए तो मैं 100% कह रही हूँ आप को ही सही लगा, और जहाँ आपने अन्वेषण सही लगाया वहीं आपका उत्तर गलत। देखते हैं कैसे, देखिए मैं बार बार कह रही हूँ हमें भी दे अनु पर एश। अब अनु उपसर्ग है, क्या है उपसर्ग है। अब अनु में से क्या निकला भार, भार निकला हाँ में से क्या निकला इसमें, ठीक है ऊपर निकलता ही आधा ना मेरे पास शेष, इन दोनों का मेल वा बना रहा, अपना स्वर दिया तो शब्द बना वे, तो पीछे का शब्द अनुवेश तर अनु उत्तर नहीं तो है अनुवेशण में अनुनूरी अनु अन आपके संधि का नियम है और वो मिलकर आपके अनुरी बना रहे हैं, अनुरी है ये आपके गलत है, अनुपसर का प्रयोग पर भी हुआ है, अनुवर अनुवर में भी हुआ है आपके अन अनु है आपके
क्या पूछा है आप? वह है अनुर्वर में कैसे? हाँ आपके अनुपसर्ग का पूछा है ना कि आपके क्षमा याचना अनु है नहीं हुआ है अनु ने, अनु उपसर्ग हुआ है अनुर्वर, तो इसमें अपना स्वर देख या अन का उपसर्ग का प्रयोग हुआ है इस अन अन उपसर्ग है ना, उत्तर नंबर होगा ना कि चार। आपकी देखा गौर से देखना है, यदि आप जरा से भी हिंदी सब्जेक्ट में अगर गौर से अपने प्रश्न का उत्तर देख रहे हो बिना देखे जल्दबाजी में हल लगा रहे हो आप 100, हमें गौर से आप तो को विस्तार ढंग से आपकी मात्राएं हैं आपके क्या का नियम मात्राएं तो आपकी गलत को भी गौर से अवश्य है। आगे चलते हैं हम सेकंड ग्रेड 2018 की क्या गया है, किस विकल्प के सभी शब्दों में अनु योग अनधन अनधन और अनधन आपके अन धन और अनुपसर्ग का हुआ है और अन का हुआ है, बाकी सभी में आपके अनु आपके अन का उपयोग। हाँ हमारा उत्तर आगे बात करते हैं हम कर सहायक 2018 की भर्ती गया अनुशासन में कौन सा शब्द है, अनुशासन में कौन सा उपसर्ग है? उत्तर नंबर एक सही होगा अनुपसर्ग है, मूल शब्द यहाँ शासन है अनुसर्ग है शब्द यहाँ साधारण अनु। बात करते हैं हम 2011 भर्ती में क्या हुआ है और यही आपके 2012 की भर्ती में किया गया है थर्ड ग्रेड का प्रयोग कल में हुआ है कुकर में हुआ है कुछ साल में हुआ है आपका कल में नहीं। कर्म कर्म और कुछ साल यानी तो अगर शाब्दिक अर्थ की यदि मैं बात करूं शाब्दिक शाब्दिक अर्थ कठिन तो यानी बुरा रूप कर्म बुरे कर्म और कुछ चाल यानी बुरी चाल इसमें नहीं हुआ आपके है। बात करते हैं हम प्रश्न है हमारे सामने प्रश्न है आपका फर्स्ट ग्रेड टीचर जीके 2022 में आया हुआ और यही प्रश्न रिपीट होकर आपके सेकंड ग्रेड आपका हुआ है। प्रश्न है को उत्तर का प्रयोग हुआ है कुफल कुफल में हुआ है कुकर्म में हुआ कर्म में हुआ है में पौधा है पर्यायवाची का पर्यायवाची चार सर्ग है फल यहाँ है यहाँ पर उपसर्ग है मार्ग
और किस का आपका पर्याय है? तो फूल का पर्यायवाची है। निर्जीव का अर्थ है, का अर्थ है निर वाला जीवन रहे, और आपका निर, देखिए इसमें आपके निर उपसर्ग का प्रयोग बात तो हम ये देख का जीव जीव यानी होता है जीव का जीवन, ठीक है, और निर यानी होता है आपका नहीं यानी होता। अब जिसके पास जीवन नहीं है वही होगा नहीं सहित शब्दों का यहाँ निर्जीव के र आधा रहा है, आधा रहा आपने आमने वाले की जाता है यानी सिरोरेखा पर आधा रहा होता है, तो हमेशा आधा रहा। अब ये क्या है हलंत वाला जो रा होता है आधा रा, यहाँ पे आपको लिख आधा रा आपके क्या पर रा रा ईशा चरणों के ईशा मैंने लिखा आपके चरणों में क्रम में आपका पूरा रहा है ना और इसी तरह कर्म आपका पूरा रहा आपके पास पूरा रहा। आपके पास आगे अगर मैं इसको लिखूं क्या लिखना यानी हलंत युक्त तो आधा रहा हमेशा तो शिरोरेखा अपने आगे वाले जो आपका शब्द है आगे वाला उस पर, तो यहाँ पर उसके आगे वाला शब्द क्या है तो ये इस पे चढ़ेगा तो शब्द यानी आगे वाला। हम प्रश्न है आपके सामने आर टेट 2012 के क्या गया है अंग्रेजी में असंग असंग हो में रेखांक पद का अर्थ है आसन संधे से आ आ का शाब्दिक अर्थ में बात करूं इसका अगर हम आ यहाँ करके और ये आका आकाश तो सं असन पदने योग में कौन सा उपसर्ग पटवार 2011 में और यही आपके 12 में रिपीट हुआ है प्रश्न। योग में आपके सर्ग लगा है तो है ना अहो वाला ता आधा ता और य का मेल बना
बनाता था, यानी अगर इस शब्द को है आकार एक से हाँ। आगे बात करते हैं हम पटवार 2011 की 12 में आया हुआ है, द्वितीय श्रेणी उत्कर्ष में। भाई उत्कर्ष में आपके पास ये आपका आकर्ष है, आपके का हो ताका किसमें में दिया भी देखनी उत उपसर्ग नहीं पर उद उपसर्ग है। चलिए उत्कर्ष में है आपके पास उत्कर्ष का आपके उत्कर्ष में है आपके उत्कर्ष उत्कर्ष का उत्कर्ष बाद आपका क्या रहा है आधा है, आधा मतलब आधा आपका उत्तर नंबर 3 हाँ। उत्थान शब्द का उत्सर्ग है, उत्थान में आपका उत्... बाद आपका उत्थान और मेल होते का लोप हो जाएगा यहाँ पर आपका उत्थान। आगे चलते हैं बात करते हैं आपका उत् उपसर्ग होगा उत् के बाद आपकी आ रही है आपके तो ये ताका मेरी पंचमा वर्ण से तो वह भी अपने पांचवे में बदल जाएगा। तो आगे बात करते हैं हम JLO भर्ती 2014 में दिया गया प्रश्न एक कम के लिए कौन सा उपसर्ग होगा, एक कम के लिए उन उपसर्ग होगा उन उनका शाब्दिक अर्थ क्या है एक था आपके सामने उपसर्ग अब देखिए 20 से का अर्थ क्या समय 19 29 30 से50 एक आ गया। एक कम के लिए हमें उनका प्रयोग करना होता है। 25 क्वेश्चन है आपके पास आकर्षण में उत्तर लगता है आकर्षण में आकर्षण का आ उत्तर है आकर्षण मूल शब्द होता है आ यहाँ पर है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम प्रश्न है आ उपसर्ग प्रयोग नहीं पाए हाई कोर्ट एलडी 23 में आया हुआ प्रश्न आ उपसर्ग प्रयोग आकर्षण हुआ है आक्रांत आकस्मिक आकार
का उपसर्ग प्रयोग प्रयोग नहीं हुआ है। हाँ आकाश में पता है आपका तुरंत आकाश में आकर्मक अध उपसर्ग नहीं लगा है। अध उपसर्ग नहीं है अधर्म। अधर्म में है अध अधर्म आपका आ उपसर्ग है और धर्म यहाँ अधमरा में आपके पास अध अगर शाब्दिक अर्थ की बात हो आधा यहाँ पर हुआ है। हाँ हमारे पास अधर्म में नहीं हुआ है अधर्म में आपके पास आ उपसर्ग का प्रयोग हुआ देते। प्रश्न है आपके पास स्टेट प्रॉपर परीक्षा 2023 में अधखिला शब्द में कौन सा उपसर्ग है। अध उपसर्ग है LDC 2018 के भर दिया गया है। प्रश्न है अध कचरा शब्द से बना है वह अध उपसर्ग बात करते हैं। पटवार भर्ती 2011 क्या आया है आपका महिला सुपरवाइजर में संस्कार शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है। संस्कार में आपका बाद आपका कार होगा तो ये माँ माँ बदल जाएगा आपके पास अनुस्वार में माँ बदल जाएगा। मौसम का उपसर्ग का से होता है तो आप तो माँ तो बदल जाता है आपका आपके अनुस्वार में। और आपका आगमन किसको होता है स का आगमन होता है स का आगमन होता है। हमने संधि के नियमों में पढ़ा था जब हम व्यंजन संधि पढ़ रहे थे तो ये व्यंजन संधि का नियम है। संस्कार आपका संस्कृति लेकिन मैं और शब्द ले संस्कृति अब म किस में बदला माँ बदला आपके किस में बदला माँ बदला अनुसार में। और आगमन किसका हुआ सा का आगमन हो तो शब्द क्या बना मन में आया। तो यहाँ हमारे पास संस्कार में कौन सा उपसर्ग है सम उपसर्ग है। ठीक है कौन सा है सम उपसर्ग। आगे बात करते हैं तृतीय श्रेणी 2000 आपके 12 में आया हुआ और आपके 12 में आया हुआ प्रश्न प्रश्न है किस शब्द में सम उपसर्ग है। सम का सप्रेम साका संहार में आपके सम उपसर्ग है। सम के बाद आपका हार के यहाँ पर आपका यदि सम का मेल क वर्ण से होता है या आपका सम का प्रयोग कृ धातु से होता है तो मा अनुसार में परिवर्तित होगा और का से पहले आपका सा का आगमन होगा। ये मैंने व्यंजन संधि के नियमों में बड़े ही विस्तार से समझाया हुआ है। जब मैंने संधि पढ़ाई थी मैंने वहां समझाया था। जिसको भी आपको इससे संबंधित तो देखना है तो डीजे क्लासेस के ऐप डाउन कीजिए वहां पर मैंने विस्तार से भांति तरीके से समझाया हुआ है। ठीक है वहाँ आप जाके और जिसने भी मेरे चैनल को लाइक नहीं किया है सब्सक्राइब नहीं किया है इसी कारण आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच रहा है। अगर मेरे आप लाइक और सब्सक्राइब करेंगे तो मैं आपको बहुत बेहतर वीडियोस देंगे हम और हमारे नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आपके पास पहुंच जाएंगे। बेल आइकन दबाइए आपके पास हमारे वीडियो समय पर पहुंच सके। चलिए देखते हैं इसका उत्तर उत्तर नंबर 1 का
उपसर्गों से संबंधित जो श्रृंखला थी आज समाप्त हो गई है। बड़े ही समझाने का प्रयास किया था। अगर आपको मेरा प्रयास अच्छा लगा तो अपने कमेंट द्वारा हमें बताइए, और मैं फिर से आपसे कह रही हूँ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ बेल आइकन जरूर दबाइए, जिससे हमारे द्वारा दिया गया आपके नोटिफिकेशन आपके पास समय से पहुंच सके और मैं आप तक आपसे जुड़ सकूं। क्योंकि अभी आपको पता है भर्तियों का अंबार है, फर्स्ट ग्रेड की भर्ती, महिला सुपरवाइजर की भर्ती, और आप तो कहाँ भूल गए यूपी तो भर्ती है जहाँ हिंदी अपनी अहम भूमिका निभा रही हो। और बीएसटी तो बच्चे अभी अभी 12th पास करके आए हैं और जिन्हें कॉलेज नहीं है, बीएसटी अगस्त में हो रही है, बीएसटी अहम भूमिका निभाने वाली है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज्ञा लेती हूँ आपसे, फिर मिलेंगे हम हमारे दोबारा नए वीडियो के साथ। चलिए बाय।